हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद राहत उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो आज मैं लेके आई हूँ भिंडी कीमा बहुत आसान और इजी तरीका है बकर आ रही है बकरीद में तो हम गोश्त भी बनाते हैं गोश्त में डालकर सब्ज़ियाँ भी बनाते हैं तो बकर पे ये कीमे में मिलाकर भिंडियों को ज़रूर बना के देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो यहाँ ले लिया है मैंने पैन जिसके अंदर मैं कीमा और भिंडी बनाऊँगी तो इसमें मैं डाल रही हूँ अपने हिसाब से तेल तेल अच्छे से गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच जीरा दो तेज़पात के पत्ते खड़े और गर्म मसाले इसमें ज़्यादा नहीं चाहेंगे आप चाहे तो पिसा हुआ डाल सकते हैं मगर ये मैं यहाँ गर्म मसालों का कम इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ मैंने दो प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की उन्हें मोटा मोटा ही मैंने काटा है ज़्यादा बारीक नहीं काटा है अगर आप चाहते हैं इसे चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं बस प्याज को हम हल्का सा पिंक करेंगे ज़्यादा हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे ज़्यादा पकाएंगे नहीं कीमे के साथ प्याज आसानी से पक जाएगी तो बस इसे हल्का सा हम सॉफ्ट करेंगे फ्लेम को यहाँ अभी मैंने मीडियम रखा है और देखिए ये हल्की सी पिंक होने होने लगी है तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कीमा कीमा में ज़्यादा चिकना नहीं लिया है मैंने अगर आप चिकनाई पसंद करते हैं तो तेल थोड़ा कम डालें चिकना गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं थोड़ी चिकनाई कम लेती हूँ गोश्त के अंदर और देखिए ढाई सौ ग्राम कीमा है और इसके अंदर तीन हड्डियां हैं हड्डियां आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं डायरेक्ट कीमे के अंदर भी बना सकते हैं तो कीमा को हम इसी तरीके से चलाते हुए जब तक कीमा वाइट नहीं हो जाता तब तक हम इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे कलर चेंज हो जाएगा जैसे ही कीमे का तो इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट और ये भिंडी कीमा खाने में तो अच्छा लगता ही है मगर बनाना भी वैसे बहुत ज़्यादा आसान है आप एक बार बनाएंगे अपने परिवार को बना के खाएंगे तो आपके परिवार में भिंडी कीमा रोज़ बनवाएंगे और रोज़ खाना चाहेंगे तो देखिए मैंने यहाँ ये यह भून लिया है हल्का सा सफ़ेद हो चुका है तो यहाँ ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर अदरक लहसन का पेस्ट मैं दो चम्मच यहाँ लहसन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ फिर से इसी तरीके से चलाते हुए हम कीमे को भून लेंगे लहसन अदरक के साथ लहसुन अदरक का कच्चापन हल्का सा चला जाए बाकी के मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च हरी मिर्च मैंने यहाँ चार से पाँच हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है मैं हरी का हरी मिर्च का तीखा ज़्यादा ले रही हूँ और लाल वाली जो मिर्च है मैंने वो स्किप कर दी है उसकी जगह मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं बराबर की जितना आप तीखा पसंद करें कम या ज़्यादा मैं हरी मिर्च इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी में हरी मिर्च फ़ायदेमंद होती है थोड़ी और जो लाल मिर्च होती है थोड़ी नुकसान देती है तो इसलिए लाल मिर्च को मैंने यहाँ स्किप कर दिया है उसकी जगह मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है कलर के लिए हरी मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी है तो बस इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम देखिए नमक जायके के मुताबिक नमक डालेंगे बाद में चेक कर लिया अगर कम लगे तो और एक चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं देखिए एक चम छोटा चम्मच और दो चम्मच मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर अब हम सभी मसालों को गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे मैं यहाँ बड़े के गोश्त में बना रही हूँ आप चाहे तो मटन के गोश्त में भी इसे बना सकते हैं सेम इसी तरीके से अगर डालना चाहे तो आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं मैं चिकन में भी बना के मैंने ट्राई किया है बहुत अच्छी लगती है चिकन में भी गोश्त आप तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं मैंने ये बड़ा का गोश्त लिया है और ढाई सौ ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है बस देखिए ये मिक्स हो चुका है मसाले अच्छे से गोश्त पर लग गए हैं तो इसमें मैं ऐड करूँगी एक बड़ा टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो पेस्ट बना के डाल सकते हैं आप चाहे तो चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं बस मिक्स कर लेंगे कुछ देर इसे हम भून लेंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी पानी हम इतना डालेंगे कि ये जो गल जाए अच्छे से आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं मैं यहाँ देखिए खुले बर्तन में थोड़ा बना रही हूँ आप इसे कुकर में बनाएंगे थोड़ा जल्दी बन जाएगा तो यहाँ मैंने तकरीबन इसमें ऐड किया है एक गिलास पानी पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें और इसे कवर करके छोड़ दें लो फ्लेम पर धीमी धीमी आज पर गोश्त गलेगा तो ज़्यादा स्वाद बनेगा खाना तो बस यहाँ ढक देते हैं और देखिए अब गोश्त जो है पकना शुरू हो चुका है पानी मैंने कितना कम डाला था गोश्त ने भी पानी छोड़ा है और प्याज ने भी अब अच्छा खासा पानी है गोश्त हमारा इसके अंदर गल जाएगा बस फिर से ढक देते हैं इसे फिर दिखाते हैं और लीजिए अब देखिए इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा है तेल हल्का सा ऊपर आ चुका है मगर गोश्त है अभी पूरी तरीके से नहीं भुना है इसमें हल्का सा सिलबलाहट है पानी है मैं इसे पूरी तरीके से खुश करूँगी अगर अभी मैं भिंडी डाल दूंगी तो भिंडी का जो चिपचिपापन है वो इसमें छूट जाएगा और देखने में खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी तो फिर से हम इसे ढक देंगे और भुनने के लिए लो फ्लेम पर ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो ढक देते हैं और अब मैं दिखाती हूँ देखिए तेल अच्छे से ऊपर आ चुका है मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका है गोश्त का कीमा भी अच्छे से गल चुका है अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो भिंडी के साथ गल जाएगा तो मैंने यहाँ दो चम्मच दही डालने के बाद इसे अच्छे से फिर से भूनेंगे हम ताकि जो दही है अच्छे से भून जाए और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए इससे जो भिंडी और गीमे का टेस्ट है थोड़ा ख़राब हो जाएगा दही का खट्टा हल्का सा ही होना चाहिए बस इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसे हम जब तक फिर से भून लेंगे जब तक तेल अलग नहीं हो जाता और मसाले अच्छे से नहीं भुन जाते दही डालने के बाद फिर से इसमें पानी हो चुका है कवर कर दें लो फ्लेम पर इसे ऐसे ही छोड़ दें और अब मैं दिखाती हूँ देखिए तेल अच्छे से भुन चुका है कीमा भी हमारा भुन चुका है अब डालेंगे हम इसके अंदर भिंडी तो भिंडी का साइज़ देखिए मैंने इतनी बड़ी काटी है आप चाहे तो और बड़ी भी काट सकते हैं बस भिंडी डालने के बाद फिर से कर लें इसे मिक्स और इसे अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर फिर से लो फ्लेम पर तकरीबन सात से आठ मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पकाएंगे और बीच बीच में इसे चेक ज़रूर करते रहें इसे मिक्स करते रहें चलाते रहें नहीं तो ये नीचे जलने लगेगी तो देखिए यहाँ मैंने मिक्स कर दिया है मैं इसे ढक दूँगी और ढक में इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे बीच बीच में ज़रूर चलाते रहें तो बस ढक देते हैं अब और इसे हम पकाएंगे तकरीबन सात से आठ मिनट के लिए अगर नहीं पके तो आप थोड़ी और देर पका सकते हैं इसे और देखिए मैं भी यहाँ भिंडी दिखा रही हूँ थोड़ा सा मैंने डाला है हरा धनिया फ्लेम को कर दिया था मैंने बंद ये तो हल्का सा ठंडा हो चुका है तो इसमें हरा धनिया डालने के बाद करते हैं मिक्स कुछ देर के लिए मैं इसे ऐसे ही कवर करके रखूँगी उसके बाद प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आपको हरे धनिया की खुशबू अच्छे से सब्ज़ी के अंदर मिक्स हो जाए कवर करते हैं और करके दिखाते हैं प्लेटिंग और लीजिए यहाँ हमारी तैयार हो चुकी है गर्मा गर्म कीमा भिंडी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं आप इसे बकरीद पे बनाएं बिना बकर के बनाएं ये आपको बहुत पसंद आएगी आप इसे रोटी के साथ खाएं या सूखी सब्ज़ी कीमे के साथ ये दाल चावल के साथ आप बना सकते हैं भिंडी कीमा और मैंने तो बना ली है एक बार आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा मैंने यहाँ रोटी सलाद के साथ सर्व की है आप अपनी मनपसंद चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर दबाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया